मध्य प्रदेश की राजनीति में समय घमासान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो पहले ही दिन विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सड़क पर आना पड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आरोप लगाया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे साथ पक्षपात किया गया है और हमारे नामांकन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसी वजह से पहले ही दिन हमें सड़क पर उतरना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है और वे चुप नहीं रहेंगे। उल्लेखनीय है कि आज भोपाल की राजनीति में बेहद गर्माहट है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश की जा रही है। इधर व्यापारियों से पैसे दिलाने की बात भी हो रही है और खासकर व्यापारी गुजरात के बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के 3 और 1 निर्दलीय विधायक द्वारा इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग करके दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है और दिग्विजय सिंह भी इस तैयारी में हैं कि वे कोई बड़ा स्टिंग ऑपरेशन कर दें। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आदिवासी विधायक है। इधर डॉक्टर हीरालाल अलावा के अलावा अन्य लोगों के भी नाम बताए जा रहे हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उनसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा संपर्क किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मामले को लेकर राजनीतिक जो बयानबाजी हो रही है वह भी बेहद चौंकाने वाली है और यह कहा जा रहा है कि अभी यह युद्ध और भी आगे जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।